दिल्ली वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा दिल्ली में आयोजित नेशनल वेटलिफ्टिंग मेगा डिकार्टला के मोहित गालियान ने गोल्ड मेडल जीतकर प्रदेश के साथ साथ जिले का नाम किया रोशन। इसको लेकर गुरुवार को पानीपत के समालखा में स्थित द जीवा शिम में पहुंचने पर जिम के लोगों ने फूल माला द्वारा जोरदार स्वागत किया। मोहित गालियान ने बताया, दिल्ली में आयोजित नेशनल वेटलिफ्टिंग टूर्नामेंट कराई गई थी जिसमें दूर दूर से आए बच्चों ने भाग लिया था, जिसमें उन्होंने 70 केजी बार में 140 केजी बेंच प्रेस लगाकर गोल्ड मेडल हासिल किया। मैंने वेट लिफ्टिंग में 70 केजी में खेल के 140 किलो वजन मारा था, तो उसमें मेरा गोल्ड आया था। कहाँ खेलने गए थे? मैं दिल्ली मयूर विहार फेस वन में गया था, तो वहाँ पे कम से कम 400 से ज़्यादा बच्चे आए हुए थे। कोच नवीन शर्मा ने बताया, जिम में बच्चों को काफ़ी मेहनत से तैयार किया जाता है, उनको खेलने के लिए बाहर भेजा जाता है। उनका उद्देश्य यही रहता है कि बच्चों को नशे पत्ते से दूर करके खेल की ओर आकर्षित करें, ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे और खेलों में आगे जाकर अपने शहर, जिले और देश का नाम रोशन करें। हमारा मेन मोटिव होता है कि बच्चों को ना नई नई टेक्नोलॉजी सिखाना, नई नई प्रैक्टिस कराना, नई नई मशीनों पर नया नया करना। हमारे को हमारी जिम का मेन मोटिव ये है कि बच्चों को नशे पत्ते से दूर करके अपनी जिम का नाम भी रोशन करो और बच्चों की प्रैक्टिस भी कराना। इससे पहले जो बच्चे कितने आपके यहाँ से क्वालिफाइड हो गए, कितने बच्चे मेडल? हमारे फिलहाल 4 मेडल आ चुके हैं, जिसमें 4 बच्चों के अभी इनसे पहले 4 बच्चे गए थे जो नेशनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। अभी हमारे यहाँ से 3 बच्चे गए थे जिसमें से तीनों ने मेडल जीता है। तो आप किस तरह से कैसे तैयारी करते हो? हमारा मेन मकसद होता है नई नई मशीनों से नई नई टेक्नोलॉजी सिखाना, बच्चों की प्रैक्टिस कराना, नए नए इक्विपमेंट देना। समालखा से सिटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट।